ये तो आपको पता ही है कि टीवी रियलिटी शोज काफी छोटे वक्त के लिए टेलीकास्ट किए जाते हैं, वहीं इसके जज भी शो के लिए काफी मोटी रकम वसूलते हैं। पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं टीवी के ऐसे ही कुछ महंगे रियलिटी शोज के जज और उनकी फीस के बारे में। यहाँ आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी फिलहाल फिल्मों से दूरी बनाए हैं, लेकिन शिल्पा डांस रियलिटी शो सुपर डांसर को जज कर चुकी हैं। वहीं उन्होंने शो के एक सीजन के लिए 14 करोड़ जैसी मोटी रकम वसूली थी। वहीं बात करें अगर मलाइका अरोड़ा की, तो बॉलीवुड में कई आइटम सॉन्ग कर चुकी मलाइका अरोड़ा भी टीवी के कई शोज जज कर चुकी हैं, जिनमें से एक है इंडियाज गॉट टैलेंट, और इसके एक सीजन को जज करने के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज किए थे मलाइका अरोड़ा ने। हालांकि अब उनकी फीस बढ़ चुकी है। वहीं बात करें अगर डायरेक्टर करण जौहर की, तो करण जौहर भी टीवी शो से अच्छी खासी कमाई करते हैं। उन्होंने झलक दिखलाजा के हर सीजन के लिए 10 करोड़ की मोटी रकम वसूली थी। वहीं धक धक गर्ल के नाम से फेमस माधुरी ने झलक दिखलाजा के कुछ सीजन जज किए और माधुरी हर एक एपिसोड के 1 करोड़ रुपए लेती थी। वहीं बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर भी टीवी पर आने वाले रियलिटी शो में जज बन चुके हैं। उन्होंने डांस शो झलक दिखलाजा को जज किया था और इस शो के लिए उन्होंने 1.75 करोड़ रुपए लिए थे। हालांकि इसके 1-2 एपिसोड के बाद उन्होंने बीच में ही शो छोड़ दिया था, लेकिन अब इन सबसे ज्यादा किसी ने बाजी मारी है तो वो है सलमान खान। जी हाँ, सलमान ने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 में पर एपिसोड के लिए 11 करोड़ जैसी मोटी रकम वसूली थी। तो देखा आपने कैसे इन सितारों ने बॉलीवुड को छोड़ टीवी पर भी खूब कमाई की है। फाइनल कट एंटरटेनमेंट डेस्क। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।